2024 के लोकसभा चुनाव ने जहां दक्षिण भारत से इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिली, तो वहीं भाजपा का मिशन दक्षिण फेल हो गया। लेकिन आज कल कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत से खबर अच्छी नहीं आ रही है। वजह है जमीन घोटाला, जिस मामले में कर्नाटक के सीएम के ऊपर मुकदमा चलाने की मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल ने दे दी है। मुड़ा जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती दी है। हाल ही में राज्यपाल ने मैसूर शाही विकास प्राधिकरण मामले में सीएम खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुड़ा मामले में सीएम सिद्धरमैया पर गड़बड़ी के आरोप है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राज्यपाल के आदेश के बाद कर्नाटक में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सिद्धरमैया को घेरने की कोशिश में लगा पड़ा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। राज्यपाल के आदेश पर सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि पूरी मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। बीजेपी, जेडीएस और अन्य दलों ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन सरकार को हटाने की साजिश रची है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि मुझे इस्तीफा देना पड़े। कर्नाटक के राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है। मैं इसे कोर्ट में चुनौती दूंगा। टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा की तारीफ में दायर याचिकाओं पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने फैसला सुनाया। इस सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इससे पहले 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री की जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दे दी थी। अब सरकार ने राज्यपाल पर संवैधानिक कार्यकाल के दुष्प्रभाव के लिए आरोप लगाए हैं। इससे पहले राज्यपाल ने सीएम को नोटिस जारी कर पूछा था कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाने की अनुमति क्यों ना दी जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुड़ा योजना की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जबकि 2021 में मुड़ा के विकल्प के लिए मैसूर के केसारे गांव में सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। बदले में उन्हें दक्षिण मैसूर के पौश इलाके विजयनगर में जमीन आवंटित की गई। मुड़ा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50-50 अनुपात के हिसाब से योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। मुड़ा ने जमीनों के आवंटन में अनियमितता बरती। सीएम की पत्नी को जो जमीन आवंटित की गई उसकी कीमत मुड़ा द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा थी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।